सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूंगा यूके पीएससी की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए, और शुभकामनाएं आपकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के जो घाव हैं वो अभी भरे नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, और तैयारी का जो टाइम होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। पैसा, टाइम, आपका जो सपना है, सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं एक वैकेंसी से, हम उसे बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे और कुछ बच्चे बहुत टूट भी गए थे इस धोखे से, मैं बहुत बड़ा धोखा कहूंगा अभ्यर्थियों के साथ में। पर ये जो वैकेंसी आई है, टाइम पर इस वैकेंसी का निकलना बहुत जरूरी था। जो बच्चे थोड़ा बहुत टूट गए थे अंदर से, उनको इससे राहत मिलेगी, दोबारा से काम करने की एक एनर्जी के साथ में काम करने का मन करेगा और काम कर पाएंगे बच्चे। तो अगर हम बात करें कि इस वैकेंसी की तैयारी की, तो हम शुरू करेंगे इसकी तैयारी, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। लेकिन जो एक दर्द से बच्चे निकल रहे थे, उनके लिए मैं कहूंगा, आप लोगों से मैं एक बात कहूंगा कि पिछली वाली बातों से जितनी जल्दी आप निकलेंगे, जितनी जल्दी आप उभरेंगे, उतनी जल्दी आप नई वैकेंसी की तैयारी पर जुट पाएंगे। और ये भी एक सच है कि जिस टाइम, अगर मैं खुद की बात करूं, तो 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ यूके ट्रिपल एससी में, यूके पीएससी में 2018 में हुआ है। हिमानी मैडम जो चैनल पर उत्तराखंड आप लोगों को पढ़ा रही थी यूके पीएससी की, जब आपकी वैकेंसी थी पिछली वैकेंसी के लिए 2021 में जितनी वैकेंसी आई थी उनके लिए हमने बैचेज चलाए थे, वो पढ़ा रही थी, और उनका अपना उनका काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रहा उत्तराखंड में, पूरा ऑल ओवर उत्तराखंड में जो एआरओ थे उनमें, एआरओ के बैच में उनका 6th रैंक थी और गर्ल्स में उनकी रैंक 3rd थी। अपनी बात करूँ तो 2018 में सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, और जो एक स्ट्रेस होता है तैयारी का, वो हर किसी को होता है, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट क्यों नहीं है, कितना अच्छे में कितना टाइम क्यों नहीं है। क्योंकि 2016 में यूके ट्रिपल एससी का जो एक सेटबैक आप लोगों को, जो लोग सेलेक्ट भी हुए हैं अपनी मेहनत से, उन लोग वो लोग भी झेल रहे हैं अभी, उस सेटबैक को हमने भी 2016 में झेला था। बहुत दर्द होता है कि जब आपका, क्योंकि बहुत बड़े सपने होते हैं हर किसी के सिलेक्शन से जुड़े हुए, और जब उसमें लेट होती है, जैसे 2016 की बात करूं तो 2016 में हमारा जब सिलेक्शन हो चुका था, 2014 की वैकेंसी थी 2016 में, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट में कुछ रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे कि 2 साल में आपको वैकेंसी जो है अपॉइंटमेंट दिया जाएगा इस वैकेंसी को क्लियर होने के बावजूद। तो बहुत दर्द होता है कि 2 साल में बहुत आपको मॉनेटरी भी लॉस होता है, और आपका कहीं ना कहीं जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। तो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हर तरह का क्या है, आदमी जुड़ा हुआ है इससे, किसी वैकेंसी से। तो मैं आपको यही, ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये जो आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़ ली होगी, बहुत सारे चैनल पर सुन ली होगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में, जिसको अगर आप लोगों ने इग्नोर किया तो आप, वही चीज होती है, पिछली बार 200 से 300 बच्चे जो जुड़े हुए थे यूके ट्रिपल एससी के और यूके पीएससी के, 200 बच्चे लगभग जुड़े हुए थे, तो उसमें क्या था कि कुछ ने वो मिस्टेक की है, और फिर साल भर वो जब तैयारी कर रहे थे तो बहुत स्ट्रेस के साथ उन्होंने तैयारी की। तो पहली जो चीज थी वो क्या थी, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझना है, और पहली चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको आप लोगों को शुरुआत में बता देता हूं, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि आपकी जो प्रकाशन तिथि है, ये तो आप लोगों ने देख ली है कि 14 अक्टूबर है, और जो लास्ट है वो आपकी क्या है, 4 नवंबर है। आपको पहली चीज 4 नवंबर का इंतजार नहीं करना है, और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, पहले बता देता हूं आप लोगों को कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले अपना जितनी भी डिटेल होगी एक व्हाइट पेज पे आप लोग उसे लिख के बहुत अच्छे से क्रॉस चेक, उसे आपको कम से कम 2 बार आपको उसको क्रॉस चेक करके रखना है। दूसरी चीज क्या है कि जब हो सकता है कि आप खुद अपना फॉर्म भरें तो भी आपको 2 बार चेक करना है। अगर आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको एक चीज क्या करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अपना फॉर्म वगैरह भरने के लिए किसी और को दे देते हैं, फिर उसमें बाद में दिक्कतें आने लगती हैं कि फादर की जगह मदर का नाम डाल दिया है, मदर की जगह फादर का नाम डाल दिया गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। अब वो जो स्ट्रेस होता है तैयारी के दौरान कि मेरा क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, वैसे इन जितनी जो मिस्टेक्स होती हैं उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं। लेकिन फिर भी एक, क्योंकि जो अभ्यर्थी है उस टाइम पे निकल रहा होता है, उस
और इस चीज को मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, 2016 की जो वैकेंसी थी जिसमें मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था, उसमें देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने की थी। मतलब खुद के नाम में ही क्या हो गया था, जैसे मैं कौशिक कुमार लिखता हूँ तो मैंने कौशिक कुमार में क्या हो गया था, जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें मिस्टेक हो गई थी। उस जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मैं क्या था, एक स्ट्रेस में था कि अपने नाम में ही मैंने क्या कर डालिया। वैसे मैंने नहीं किया था, मेरे साथ में कोई टीचर थे, उन्होंने उसको फिल किया था फॉर्म को, और मैंने बहुत लापरवाही से फॉर्म भरा था, बाद में सिलेक्शन हो गया। एफिडेविट वगैरह बनाने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं काम बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप तैयारी कर रहे हो हुए तो आपको इन चीजों से बचना है, और इन चीज ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो अब पहली चीज क्या है आप लोगों को बता दो, पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि जब फॉर्म भरें आप, तो अगर खुद भर रहे हैं फॉर्म तो भी आपको क्या करना है, दो बार जरूर उसे क्रॉस चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करना है। दूसरा, जब कोई और भर रहा हो तो वहां पर बगल की सीट में बैठकर अपनी सारी डिटेल्स आप लोग देखें। अगर आप बगल में बैठकर पूरी डिटेल्स खुद नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा, और वो जो एक स्ट्रेस बना रहता है दिमाग में वो बना रहेगा। और इसमें एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको जो सेंटर होगा, सेंटर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए। सेंटर के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर कीजिए कि कौन सा सेंटर मेरे लिए सुटेबल होगा। अगर आप सही से अपना सेंटर भर लेते हैं तो बाद में ज्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन बाद में नहीं होगा, ये यूकेपीएससी ने बोला है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत इसकी जो डिटेल्स है उनको देखेंगे, और साथ साथ में बीच बीच में मैं आपको तैयारी के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप देखिए आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं या किसी और के साथ तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेल्फ स्टडी, देखिए मैं पहली चीज को प्रेफरेंस देता हूं सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपने पे भरोसा बहुत रखना है। आप चाहे देखिए हम खुद क्या कर रहे हैं, पेड कोर्सेज देते हैं, हम आपको पेड मटेरियल दे रहे हैं या वीडियोस या कोर्सेज दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि आपको अपना दिमाग बंद नहीं करना है। मैं चाहे आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो या किसी और के साथ, मैं देखता हूँ कि आप क्या करते हैं, किसी और का आप YouTube पे वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए हर आदमी की, हर इंसान की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें होती है, उसके मेरिट्स हैं डिमेरिट्स हैं, तो हर आदमी अलग तरीके से स्टडी करना जानता है। आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से, देखिए सब्जेक्ट मैटर आपके पास, मैटर तो आपको कहीं से भी आप ले सकते हैं, चाहे मुझसे ले रहे हैं किसी और से ले रहे हैं, आप किसी एक सिंगल आदमी पर आपको क्या नहीं करना है, रिलाय नहीं करना है उसी पर। ये नहीं करना है कि अच्छा जो इसने पढ़ा दिया बस मुझे यही पढ़ के आगे मेरा सिलेक्शन होगा। आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अपने बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, आपको कंटिन्यूअस स्टडी करते रहना है। और जाके अब देखिए मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं क्या कर सकता हूँ, चीजों को ढूंढ कर आपको दे सकता हूँ। तो एक आजकल जो भी ट्रेनर हैं, जो भी आपके पास में यूट्यूब चैनल है या कहीं आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपको अपना जो टाइम है चीजों को ढूंढने का, वो आप खत्म करने के लिए या टाइम आप ढूंढने पर ना लगाकर आप किसी को क्या कर दे रहे हैं, कुछ पैसा दे दे रहे हैं और वो आपके लिए चीजों को ढूंढकर दे देता है, आपको खाली उसमें स्टडी करनी है। अगर आप ये चीज नहीं लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, खुद ही चीजों को ढूंढना है, खुद ही आपको पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोग समझिए। लेकिन अगर आपने किसी को पैसा दिया है, उसने आपको मटेरियल दिया है, तो ये मत सोचिए, उस आदमी पर इतना भी भरोसा मत कीजिए। चाहे मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी ये कह रहा हूँ कि आपको इतना नहीं सोचना है कि अब मेरा एग्जाम सिर्फ इस इंसान के भरोसे निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी अगर 200-300 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसे नहीं पता कि ये 300 बच्चों की कौन कौन सी उनकी मेरिट्स है डिमेरिट्स है, वो किस तरह के माहौल में है। बस ये है कि हम अपना 100% तो देंगे, लेकिन आपको अपना 200% देना है। दूसरी चीज, कई जगह आप लोगों को मिलेंगे, अभी हम सारी चीजों के बारे में नीचे नीचे मैं स्क्रॉल भी करता जा रहा हूँ साथ साथ में, और हम देखेंगे ये जिले वाइज वैकेंसीज भी देखेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ आप उन्हें कॉपी पेन पे कॉपी लेकर और पेन लेकर अपना नोट डाउन जरूर करते जाइए। दूसरी चीज, मैंने पहली चीज आपको बताया, फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को अपना सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेनी है,
दूसरी चीज आप लोगों को बताई है कि किसी अपने पर भरोसा रखना है। आप भी इस स्टेज पर हैं जहां पर कि आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, और जब समझ में आती हैं तो आपको अपना दिमाग बंद करके नहीं रखना है, हर चीज पर रिसर्च करनी है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो आपको उससे क्वेश्चन भी करना बनता है। आपको क्या करना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और बहुत तेजी से अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। जितनी तेजी से आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आप रिवीजन पर पहुंचेंगे। अब जब टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक के लिए मैंने एक चैनल पर एक स्ट्रेटजी करके एक आप चैनल पर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो स्ट्रेटजी करके कि आपको अपना जो मोबाइल है उसे किस तरीके से, मोबाइल बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मोबाइल को आप बंद कर दीजिए, नहीं मोबाइल को आपको बंद नहीं करना है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना है। उसे कैसे यूज किया जा सकता है, आपको मैपिंग कैसे मैपिंग कैसे यूज करनी है, फ्लैश कार्ड क्या होते हैं और फ्लैश कार्ड आप किस तरह से अपनी स्टडी में यूज करेंगे, ऑडियोज जो है उसे कब यूज करना है आपको अपनी स्टडी, जो अगर आपके पास सिर्फ 8 घंटे हैं तो आप उसमें 3 घंटे एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं अगर आपने ये स्टडी वाला वीडियो देखा तो, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है कि किस तरह से हम ऑडियो वीडियो को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, उन्हें यूज करें। तो आगे चलते चलते मैं आप लोगों को बताता भी चलूंगा जो चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन साथ में चलते हैं और जिला अल्मोड़ा के बारे में बात करते हैं। जिला अल्मोड़ा में हम देखें तो 50 वैकेंसी हैं टोटल। इसमें अनुसूचित जाति वाले 6, जनजाति 1, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 6, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6 हैं, और अनारक्षित इसमें 31 है, और कुल योग आपका है 50। और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपको गाइडेंस लेना है आप व्हाट्सएप पे 2400 घंटे कभी भी आप मैसेज करेंगे तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया हो। 1-2 घंटे अगर मैं बिजी रहता हूँ, क्लास में रहता हूँ या स्कूल में हूँ तो आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर हॉरिजेंटल रेजर्वेशन की स्थिति अगर आप लोगों को देखनी है तो पूर्व सैनिक का 1 है, इसमें अनाथ के लिए 1 है और महिलाओं के लिए 12 है। आगे चलते हैं बागेश्वर। जिला बागेश्वर में आप लोग देख सकते हैं कि जो वृत्तियों की संख्या है वो है 18। इसमें अनुसूचित जनजाति 1, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 3, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसमें 6, अनारक्षित में 8, और कुल योग जो है वो है 18। उत्तराखंड में अगर हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें जिला बागेश्वर में तो उसमें आप लोगों को महिला में 5 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जिला चमोली में आप लोगों को कुल रिक्तियों की संख्या 26 है। इसमें अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 1, ओबीसी 3, कमजोर व आर्थिक कमजोर वर्ग जो है उसमें 2 हैं, अनारक्षित 7 हैं और कुल योग है आपके 26। चैनल के बारे में अगर हम बीच में बताऊं आप लोगों को तो आप लोगों के साथ में मैं जुड़ा रहूंगा, हिमानी मैडम आपकी जुड़ी रहेंगी। बोथ ऑफ अस आर यूकेपीएससी क्वालिफाइड, तो अगर यूकेपीएससी की हम बात करें तो किसी भी तरह का गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और जो हिमानी मैडम है उन्होंने तो रिसेंट में ही, वैसे 2018 भी ज्यादा पीछे नहीं है, रिसेंट ही माना जाएगा, और हिमानी मैडम का 2021 ही है, तो बहुत रिसेंट में बात करें तो उनका सिलेक्शन हुआ है। जो यूकेपीएससी के क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं उनके बारे में आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1-2 दिन में आप उनकी वीडियोस चैनल पर देखना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर वीडियोस बना रहे हैं उनके वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वो सीरीज से, जैसे आपको मनवर हैं वो क्या करेंगे, आपको एमसीक्यूज का एक जो सीक्वेंस देंगे उसमें आप बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं। जो संतोषी हैं वो भी आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज देंगे, तो उनकी वीडियोज भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक सीक्वेंस बना रहता है चीजों का। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें आपका 5 है। नाउ नेक्स्ट वन इज चंपावत। अगर हम डिस्ट्रिक्ट चंपावत की बात करें इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन की जो स्थिति है वो है आपका अनुसूचित जाति 5, जनजाति 5, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस का जो है वो 2 है, अनारक्षित 15 और कुल योग है आपका 26। इसमें महिलाओं की जो महिलाओं के लिए है आपका 08, उत्तराखंड अनाथ 01 और पूर्व सैनिक का है 1।
जिला देहरादून, जिला देहरादून में 9 पोस्ट हैं। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में आप देखेंगे 1, जनजाति 0, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस में 1 एंड अनारक्षित में आपकी यूआर में आप लोगों को देखने को मिलेंगी 5, और इसमें है आपका टोटल 9 पोस्ट। हॉरिजेंटल में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ महिलाओं का है और वो है आपकी पोस्ट 3। नैनीताल, नैनीताल में जो टोटल पोस्ट है वो है आप लोगों की 27। अनुसूचित जाति 9, जनजाति 0, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 6, अनारक्षित 11 और कुल योग जो है 27 है। इसमें पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है, अनाथ के लिए 1 है और महिला के लिए 12 है। पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा पोस्ट है और सबसे बड़ा जिला भी है आप लोगों का। वर्टिकल रिजर्वेशन अनुसूचित जाति 12, जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 19 और अनारक्षित में 7, और टोटल जो योग है आपका वो 79 है। डीएफएफ में 1, अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें पौड़ी में, पूर्व सैनिक 4, उत्तराखंड के दिव्यांग 0 और अनाथ 05 और महिला इसमें है आपका 30। पिथौरागढ़ की स्थिति देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में आपके 38, इसमें अनुसूचित जाति जो है वो 09 है, जनजाति में 0, पिछड़ा वर्ग ओबीसी उसमें 1 और ईडब्ल्यूएस 4, 24 अनारक्षित में है और कुल योग जो है वो 38 है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक 1, उत्तराखंड अनाथ 1, महिलाओं की स्थिति जो है वो है 10, और जिला रुद्रप्रयाग में देखते हैं, जिला रुद्रप्रयाग में आपके 13 पोस्ट है और इसमें अनुसूचित जाति 2, जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, ईडब्ल्यूएस में 5 है, अनारक्षित में 0.6 और कुल योग जो है वो है आपका 13। इसमें जो महिला है उसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में उसमें 2 पोस्ट आप लोगों के लिए है। टिहरी गढ़वाल, इसमें आपके 45 हैं, अनुसूचित जनजाति जाति में 11 है, जनजाति में 0, ओबीसी में 0.1, ईडब्ल्यूएस 11, अनारक्षित में 22 और कुल योग 45। पूर्व सैनिक का आप देखेंगे तो इसमें 1 है और अनाथ में 1 और महिला जो है वो है आपका 12। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में आप लोग देखेंगे अनुसूचित जाति 11, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6, अनारक्षित 33 और कुल योग जो है वो है आपका 60। जिला अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो काफी अच्छा नंबर है। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में आप लोग देख सकते हैं DFF 1, पूर्व सैनिक 3 एंड दिव्यांग में, दिव्यांग और अनाथ के लिए 0 है, साथ में महिला 18। अब इसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि जो पदों की स्थिति है वो किस तरह से है। अगर हम पटवारी के देखेंगे और उसमें अर्हता की बात करें, अधिमानी अर्हता और शैक्षिक अर्हता की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो फर्स्ट वन इज कि पदों की जो संख्या है वो है आपका 391, 391 पद है, और पद का जो स्वरूप है वो आपका ग्रुप सी का है, ये आप लोगों को पता है। आपको जिनका सिलेक्शन हो जाएगा एनपीएस से आच्छादित होंगे, मीन्स न्यू पेंशन स्कीम में आएंगे। इसमें वेतनमान जो है वो लेवल 5 का है। अब जो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होती है उनमें लेवल होते हैं। आगे चलते हैं, इसमें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको कोई भी ग्रेजुएशन BA की जो डिग्री है, BSc BA, तो स्नातक का जो लेवल है आपका ग्रेजुएशन वो आप लोगों को होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अगर कोई शैक्षणिक अर्हता है तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अधिमानी अर्हता भी आप लोगों को दी गई है, अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर नेशनल कैडेट कोर में आपका बी या सी सर्टिफिकेट है, बी या सी सर्टिफिकेट, यूजुअली सी सर्टिफिकेट की बात होती है, यहाँ पर इन्होंने बी सर्टिफिकेट भी ऐड किया है। शारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को, पुरुषों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर आपको रन करना है, और 35 मिनट में
महिलाओं को 3.5 किलोमीटर। शारीरिक जो मानक है उसमें न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों की जो है न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए ये 152 सेंटीमीटर है। पर्वतीय मूल के अगर आप हैं, पर्वतीय मूल का अगर आपका सर्टिफिकेट बना है तो इसमें आपको 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिलेगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना फुलाव है वो है आपका 84 सेंटीमीटर, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर फुलाव क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। इसमें भी आप लोगों को जो पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं उनमें 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों को ध्यान देना है कि 45 किलोग्राम तक उनका वेट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 28 वर्ष तक इसको रखा गया है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा उन्हें बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि जो इस तरह की वैकेंसी है या जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है तो ये वैकेंसी में भी कम से कम 35 तो एज होनी चाहिए थी। अब लेखपाल की बात करते हैं। लेखपाल में कुल जो पद है 172 है। इसमें रिक्तियों की अगर हम संख्या देखें तो जिला चंपावत में वन वन पोस्ट है आप लोगों की, ये जो है डायरेक्टली ये आपकी यूआर पोस्ट है। नीचे चलते हैं देहरादून में, यहाँ पे 38 है। तो अनुसूचित जाति में 4, ओबीसी में सॉरी ओबीसी में आपकी 08, एंड जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका 3, और अनारक्षित में आपकी 23, और योग जो है वो आपका 38 है। ये जो है ओबीसी, एक्चुअली जो ओबीएस सॉफ्टवेयर है आज पूरा दिन इसी को मैनेज करने में लग गया है, तो शायद इसी वजह से ये ओबीएस बार बार मुंह से निकल रहा है। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है उसमें आप लोग देख सकते हैं, पूर्व सैनिक में 1, दिव्यांग में 1, अनाथ में 1, और महिला में जो है 16 पोस्ट आप लोगों की रिजर्व है। हरिद्वार की बात करते हैं, इसमें 51 पोस्ट हैं और इसमें अनुसूचित जाति 7, जनजाति 5, 0, एंड जो ईडब्ल्यूएस है उसमें आपका 4, अनारक्षित में 35 है, और कुल योग जो है आपका 51 है। DFF 1, पूर्व सैनिक 4, दिव्यांग के लिए 2, और अनाथ के लिए 1, और जो महिलाओं के लिए है रिजर्व वो है 24। नैनीताल की स्थिति देखेंगे, उसमें आपके 26 पोस्ट हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में आप लोगों को अनुसूचित जाति 3, जनजाति 00, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो 5 है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है वो है आपका 06, अनारक्षित में 12, और कुल योग जो है वो है आपका 26। जो उत्तराखंड अनाथ हैं उनके लिए एक पोस्ट रिजर्व है और महिलाओं के लिए 12। जिला उधम सिंह नगर की बात करते हैं, इसमें टोटल जो पोस्ट हैं 56 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति में 10, जनजाति में 2, पिछड़ा वर्ग 8, कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से 6, अनारक्षित में 23, और कुल योग जो है वो है 56। DFF ये है आपका 1, पूर्व सैनिक जो है वो 3, दिव्यांग 0, अनाथ 2, और महिलाओं के लिए 17। वीडियो के लास्ट में हम स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे और किस तरह से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें लेखपाल का जो है वो है आपका 172, इसमें पोस्ट हैं। ये भी आपकी एनपीएस से पोस्ट होगी स्थायी, और ये सबू ग्रुप सी की ही वैकेंसी है। आप लोग देख सकते हैं इसमें भी आपकी सैलरी जो है कुल लेवल 5 की ही होगी। सेम है, आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, कोई आपके पास समकक्ष कोई मान्यता की कोई शैक्षणिक अर्हता अगर है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता में आपको 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा होनी चाहिए, और एनसीसी का अगर हम बात, बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। बी या सी सर्टिफिकेट यू कैन प्रोड्यूस देयर इफ यू हैव। शारीरिक दक्षता की बात करें तो 60 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों को 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 21 से 35 है, तो ये थोड़ा अच्छा है, रिलैक्स है। कुछ लोगों को जिन लोगों का पीछे एज निकल जाती है इतने में, तो क्योंकि 1-2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के, जिसमें हम तैयारी कर रहे होते हैं। अब आयु की बात हम यहाँ पे करेंगे। आयु के बारे में क्या लिखा हुआ है कि आयु सीमा 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए, और लेखपाल के लिए 21 से 35 वर्ष है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, और इसी के हिसाब से आप लोग अपनी आयु निकालेंगे।
प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आयोजन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु तो आयोग गणना निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन 1 जुलाई 2020 है। देखिए कितना ये ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलैक्स है। इस चीज को आपको क्या करना है, देख लेना है अच्छे से कि जो पटवारी और लेखपाल के लिए जो UK SSSC में जो प्रकाशित विज्ञापन 2021 में जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया था उसमें 1 जुलाई 2020 ही क्या है आप लोगों के लिए आईपी गणना होगी। और जो अन्य अभ्यर्थी होंगे जो अभी कर रहे होंगे वो उनके लिए क्या होगी, 1 जुलाई 2020 होगी। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग शायद क्या पता गणना करने में चूक जाएं और उसे क्या करें बाद में उन्हें पछताना पड़े। अधिकतम आयु की छूट, तो अधिकतम आयु की छूट में देख लेते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी छूट है, ये सारी चीजें हम अंडरलाइन कर लेंगे। मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, आप लोगों को इसे देख लेना है कि दिनांक 21 मई 2005 द्वारा ये क्या है, आप लोग 5 वर्ष की छूट है। यहाँ पे आप लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर हैं, आश्रित हैं, उनके उनके आश्रित हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं होंगे लेकिन उनके जो आश्रित होंगे उनको भी क्या होगा, 5 वर्ष की छूट मिली हुई है। जो पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी। तो जो पूर्व सैनिक है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि परिणाम जन्य आयु इस पद सेवा निमित्त जिसके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, यह समझा जाएगा कि उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है। तो ये आपकी पूरी क्या है, वैकेंसी है। और इसमें आरक्षण की स्थिति आप लोग आरक्षण से रिलेटेड जिनके भी सर्टिफिकेट है उसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी जिसके लिए अधिक लाभदायक होगी का लाभ पाने का पात्र होगा। तो ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग जिन लोगों का अपने सर्टिफिकेट्स होंगे और सर्टिफिकेट उनके प्रिपेयर्ड होंगे, तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे जरूरी है। और इसमें क्या है ये वाला आप लोग देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को वो चीजें आप लोग जरूर एक बार उन पे नजर डाल लीजिए। ये जो PDF है ये आप UKPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की स्थिति में 3 वर्ष की अवधि है। अब उसके बाद अनिवार्य जो है अर्हता के बारे में हम ऊपर वैसे हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम नीचे देखें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के परिधि के समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के अनुसार निम्नवत है। अब ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, लेकिन हम ये सीधे सीधे देखेंगे कि वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उसके अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ से मतलब आप लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बाहर से जो स्टेट होंगे उनके जो अभ्यर्थी होंगे क्या वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आपका यहीं पर आप लोगों का सॉल्व हो जाता है कि अगर आपने इंटरमीडिएट उससे रिलेटेड क्या है हाई स्कूल जो है या उससे रिलेटेड जो एग्जाम है वो यहाँ से अगर पास किया है तो आप कर सकते हैं उसमें। परंतु यह है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में जो कार्यरत हैं उनके अधीन किसी उन्होंने पदों पर नियमित रूप से अगर काम किया है तो उनके पति पत्नी जैसे कि स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री राज्य अधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती हेतु चयन के लिए आवेदन के पात्र होंगे। तो मोस्ट ऑफ चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोगों ने इसे पूरा डिस्कस किया है। अब हम तैयारी की बात करते हैं, बाकी चीजें बहुत मामूली चीजें हैं, बाकी चीजों के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि तैयारी की, तो तैयारी के लिए आप लोगों के पास में वीडियो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और वीडियो रिसोर्सेज के साथ साथ में आपको PDFs दी जाती हैं और PDF के साथ साथ में आपको PPTs भी मिलेंगी।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है, अगर हमसे आप जुड़ते हैं, कोई कोर्स, वीडियो कोर्स, कोई भी कोर्स आप लेते हैं, तो अगर आपने पहले अगर कोर्स लिया है तो आप लोगों को पता है कि जो भी हम नया कोर्स देते हैं उसे 50% डिस्काउंट के साथ देते हैं। और आप हमारे साथ जब तक जुड़े रहेंगे इस तरह से आप लोगों का क्या है, आगे आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग उस कोर्स को टाइम लिमिट में खत्म कर लेते हैं या आपको लगता है कि हमने ये चीज फिनिश कर ली है, तो हमारे पास जो उससे हायर लेवल की जितनी चीजें होती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर आप उत्तराखंड का जितना भी सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका जो हायर लेवल का टॉपिक होगा वो आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। साथ में आप लोगों को जो टॉपिक होता है वीडियो का टॉपिक, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और फाइनल में आपको टेस्ट सीरीज का भी आप लोगों को हमारे साथ मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करवाई जाएंगी और आप लोग अपने को जज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो फाइनली आप लोगों को क्या करना है, अगर हम ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं UKPSC.net.in पर। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो 7409287156, इस तैयारी में ये नंबर आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, ये जरूरी नहीं कि आपने कोर्स खरीदा है या तभी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, आप चाहे सब्सक्राइबर हैं हमारे चाहे नहीं हैं, आप इस नंबर को जरूर रखिएगा और जहां आपको जरूरत पड़ती है आप अपना प्रश्न जरूर पूछिएगा। और बहुत खुशी होती है कि जब किसी का सिलेक्शन होता है, कोई छोटी छोटी जो बातें होती हैं, वो डाउट जो दिमाग में बैठे रहते हैं वो हमारी तैयारी की स्पीड को कम कर देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अपने डाउट्स मत रखिएगा। कभी भी आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको एक उसका आंसर जितना हो सकता है वो आपको क्या करूंगा, जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा, उसका आंसर जरूर दे देंगे। तो आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है चीजों पे, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दो ही हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मैडम है, दोनों आपको आंसर जरूर करेंगे। और इसके अलावा जो आंसर हमें नहीं पता है वो हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो UKPSC क्वालिफाइड हैं और हमारे बैचेस के लोग हैं, वो जहां जो चीजें आपको डाउट में आएगी वो चीजें हम आपको कहीं से भी पूछ के क्लियर कर देंगे। लेकिन आप लोगों को अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, आपको बस अपना जो ध्यान है वो अपना जो आपको फोकस है वो शिफ्ट नहीं होने देना है, आपको उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे लगाना है। इस पर एक सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाना है उस पर टोटल मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। तो मिलते हैं, शुभकामनाएं आपको, आप सभी को फिर से बधाई इस वैकेंसी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।